हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस फॉर द यूजीसी नेट जून 2020 एग्जाम। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के, जो आपके यूजीसी नेट जून 2020 एग्जाम के लिए पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर ऑन जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें तो जो फर्स्ट हमारी जनरल अवेयरनेस है वो है 10 मोर रैमसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। तो रैमसर वेटलैंड साइट्स क्या हैं? तो रैमसर एक कन्वेंशन है जो हुई थी 1971 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो रैमसर जो ये कन्वेंशन हुई थी अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है जो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैमसर जो कन्वेंशन है आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये वेटलैंड से रिलेटेड है और 1971 में इसको साइन किया गया था। तो फ्रेंड्स, रैमसर कन्वेंशन ने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने ऐड करी हैं 10 मोर साइट्स इन इंडिया अनाउंस्ड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो यहाँ पर कौन कौन सी 10 साइट्स हैं जो यहाँ पर अनाउंस करी गई हैं बाय द रैमसर? तो जो साइट्स हैं वो हैं, देखिए, नंदूर मधमेश्वर इन महाराष्ट्र, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स रॉन्ग, तो महाराष्ट्र में एक है यहाँ पे। इसके बाद केशवपुर मियानी ब्यास कन्वेंशन रिजर्व एंड नंगल इन पंजाब। इसके अलावा नवाबगंज पार्वती आगरा समन समसपुर संधि एंड सरसाई नवर इन उत्तर प्रदेश। तो इन तीन स्टेट्स में टोटल यहाँ पर 10 रामसर साइट्स जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं जो रहेंगी अंडर द गाइडलाइंस और रैमसर कन्वेंशन। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके साथ हम बात करें, ये जो नई यहाँ पर एडिशन हुई है इसके साथ इंडिया में अब टोटल 37 वेटलैंड्स जो हैं वो साइट्स हो गई हैं अंडर द रैमसर कन्वेंशन विच प्रोटेक्टेड अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि टोटल वेटलैंड्स कितनी साइट्स हैं अंडर द रैमसर कन्वेंशन। तो ये जो टोटल यहाँ पर हो गई हैं ये हो गई हैं 37। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो जनरल अवेयरनेस है वो है इंडिया अचीव्स कंप्लीट फेस आउट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया ने एक ऐसा केमिकल जो ओजोन डिप्लीट करने के लिए सबसे हार्मफुल माना जाता है उसे कंप्लीटली फेस आउट हमने यहाँ पे कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज states that India has successfully achieved the complete phase out of hydrochlorofluorocarbon 141b which is chemical used by फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बताया है कि एक हार्मफुल केमिकल जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है, एक सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b, तो इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कम्प्लीटली हमने फेस आउट कर दिया है जिसे मेनली यूज़ किया जाता था फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो केमिकल है HCFC-141b, ये ओजोन डिप्लीटिंग जो केमिकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद। तो देखिए, CFC एक मेन यहाँ पर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल रहता है जो बहुत ही हार्मफुल रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो HCFC-141b एक ऐसा केमिकल था जो बहुत ओजोन डिप्लीट को करता था। तो इंडिया ने इसे कम्प्लीटली फेस आउट यहाँ पे कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द अमंग द फ्यू कंट्रीज ग्लोबली एंड ए पायनियर इन सम केसेस इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नॉन ओजोन डिप्लीटिंग एंड हैव लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है और जिनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है GWP वो लो है। तो देखिए, GWP होता है, इसमें हम मेजर करते हैं कि जो भी हमारे केमिकल्स हैं, टेक्नोलॉजी है या गैसेज हैं वो कितना ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लो है और नॉन ओजोन डिप्लीटिंग वो हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखें तो दिस विल बी हैविंग ग्रेट इंपैक्ट ऑन ओजोन लेयर बिकॉज 50% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम HCFC-141b। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से जो भी सब्सटेंसेस हैं जो हम कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है, तो उनमें से जो 50% है वो तो HCFC-141b ही था। तो अब जब हमने इसे कम्प्लीटली फेस आउट कर लिया है तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा हमारी ओजोन लेयर के
ऊपर। तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया ने HCFC-141V को कम्प्लीटली फेस आउट यहाँ पे कर दिया है। तो ये थी हमारी यहाँ पे सेकंड जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हमारी जनरल अवेयरनेस है 2019 द सेवंथ मोस्ट वार्म्थ ईयर सिंस 1901। तो यहाँ पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जनवरी में, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, एज पर दिस रिपोर्ट एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया ओवर द ईयर वाज अबव द नॉर्मल। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी एवरेज टेम्परेचर इंडिया में रहा वो पिछले 2019 में, वो पिछले ईयर्स की एवरेज की अगर हम बात करें तो उनसे ज़्यादा यहाँ पर पाया गया। और 2019 को बताया गया कि ये सेवन्थ मोस्ट वार्म्थ ईयर रहा सिंस 1901। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि ड्यूरिंग 2019 एट साइक्लोन स्टॉर्म्स फॉर्म्ड ओवर इंडियन सीज, इसमें से अरवियन सीज कंट्रीब्यूटेड 5 आउट ऑफ दिस 8 साइक्लोन्स अगेंस्ट द नॉर्मल ऑफ 1 पर ईयर। तो ये एक बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है क्लाइमेट की दृष्टि से कि जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं अगर हम प्रीवियसली बात करें पिछले कुछ सालों के मुकाबले में। और ये जो अभी हुआ है ये इक्वल था प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 1902। और जो हमारे यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है साइक्लोन्स की और जो उनकी इंटेंसिटी है उनके डेवलप होने की, वो काफ़ी हाई यहाँ पर पाई गई है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जो साइक्लोन्स बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी हाई है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर हाई है, ये इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बात करी गई है कि ऑल द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अकर्ड इन द कंट्री वर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज विच कंसिस्ट ऑफ साइक्लोन, फ्लड्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। तो बताया गया कि जो भी क्लाइमेट चेंज, जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो भी हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारी कंट्री में हो रहे हैं जैसे साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इस तरह के जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी जो वजह है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे पास यहाँ पर ये बन गई है। तो इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो बिहार है इस वॉज द मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड स्टेट ड्यूरिंग द ईयर विच रिपोर्टेड अबाउट 650 लीव्स ड्यू टू हैवी रेन, फ्लड्स, हीट वेव, लाइटिंग, थंडर स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म। तो बिहार के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेट इन द 2019 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें तो ये है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24। तो डेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको याद रखना है कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 24 को और इस साल भी इसे मनाया गया है अक्रॉस इंडिया। और इसका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट गर्ल्स चाइल्ड राइट। तो जो हमारी बच्चियां होती हैं उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को बनाया गया था और हर साल इस डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए कि इसको इनिशिएट किसने किया था। इसको इनिशिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008। तो कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है आपको पता होना चाहिए, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और 2008 से इसको हमने मनाना स्टार्ट करा था और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस डे इज़ टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ गर्ल चाइल्ड इन सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में जो हमारी बच्चियां हैं उनकी जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और सोसाइटी में हम जेंडर इक्वालिटी ला सकें, इसका ये एक पर्पस इस डे का है और हर साल हम इसे मनाते हैं जनवरी 24 को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की, तो वो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इसको रिलीज़ किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री का, और ये रिपोर्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर इस रिपोर्ट में बताया गया है वो है 21.67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, और ट्री कवर की बात करें तो वो है 2.89% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, और टोटल अगर हम इनका कर दें तो बन जाता है 24.56% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री का टोटल 24.56% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो है वो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 21.4% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री जो है ये हाईली टू एक्सट्रीम फायर प्रोन, तो फायर प्रोन एरिया है जहाँ पर आग लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ कहा गया है कि जो करंट असेसमेंट है ये शो करती है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें इंक्रीज देखा गया है बाई 0.56%, ट्री कवर में देखा गया है 1.29% और ओवरऑल बात करें तो 0.6%, इन दोनों में यहाँ पर देखा गया है अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी प्रीवियस असेसमेंट से जो हुई थी 2017 में। तो ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है हमारी, ये हर 2 साल बाद जो है गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें हमने इस रिपोर्ट को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस वीडियो में डिटेल में आपको बताए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए अगर आपको इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कम्प्लीटली जानना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस जो जनवरी मंथ में आपकी रही है, जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इस तरह के और भी लर्निंग वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स मिली होंगी और कुछ आपने सीखा होगा जो आपके यूजीसी नेट जून 2020 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।